हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। मैंने आपको बताया था जब भी फैक्टर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। फॉर एग्जांपल, मैंने 20 को 2 से डिवाइड किया, 2 10 जा 20, रिमाइंडर कितना है? जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है तो 2 20 का फैक्टर है। क्लियर है? सेम कंसेप्ट रिमाइंडर थ्योरम का इसने यूज़ किया और इसी चीज़ को बता रहा है। ये क्या कह रहा है? कोई पोलिनोमियल है पी एक्स, कोई पोलिनोमियल है पी एक्स, और जब पी एक्स हम पी ए निकालते हैं और वो जीरो आ जाता है, पी ए निकालते हैं जीरो आ जाता है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर थ्योरम आपको बताया होगा रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? उसका फैक्टर x माइनस ए हो जाएगा अगर यहाँ पे ए है। अगर मान लेते हैं p माइनस ए जीरो होता तो यहाँ x प्लस ए आ जाता, रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, एनी पोलिनोमियल, एंड इट्स रिमाइंडर पी ए इज जीरो, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये थ्योरम है, आप इस थ्योरम को अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है। क्लियर है? पोलिनोमियल कोई भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ए की जगह क्या हो सकता है आपका? P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, ठीक। तो डिपेंड करता है, अगर वो जीरो आ जाता है तो मीन्स रिलेटिव नंबर इज ए फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ये किसके लिए? इस वाले स्टेटमेंट के लिए। अगर मान लेते हैं मैं बोल P2 निकालें, 2 स्क्वेयर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, या 2 2 जा 4 माइनस 6 प्लस 2, आंसर क्या आएगा? 4 2 6 6 माइनस 6 0 आंसर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। बात समझ आ गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 इफेक्टर? x प्लस 1 क्या है? फैक्टर है। अब देखिए, एक्स प्लस वन फैक्टर का मतलब क्या है? अगर ये फैक्टर होगा आप किसी पोलिनोमियल का तो उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। पोलिनोमियल देखते हैं क्या दे रखा है। पोलिनोमियल हमें दे रखा है x4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ये क्या दे रखा है? कोई पोलिनोमियल दे रखा है, बताना कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है। ओके, एक और पोलिनोमियल दे रखा है, उसको भी देते हैं। ये फोर्थ है, फोर्थ पार्ट है चैप्टर का। ये कहता है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। इन दोनों को बार बार चेक करते हैं, ठीक। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर वन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ये क्या कहता है? हमें चेक करना है ये पॉलिनोमियल है और एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है। सो जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन से इसको, रिमाइंडर क्या निकालेंगे? जीरो। मतलब रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर जीरो है तो ठीक है भाई, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। चलो अब इसको पूरा डिवाइड करने से पहले क्या करते हैं, हम तरीका लगाते हैं रिमाइंडर थ्योरम वाला। पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस वन था, उधर जाएगा तो माइनस वन। सो कैलकुलेट रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा पी माइनस वन। किसी पॉलिनोमियल को हम पी एक्स के रूप में लिख सकते हैं, पी एक्स ये है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? पी माइनस वन निकालते हैं। -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखिए, जहां जहां x था वहां वहां मैंने क्या रख दिया? माइनस वन रख दिया पॉलिनोमियल में। अब सोल्व करते हैं, -1 की पावर 4, जब भी इवन पावर है तो आंसर प्लस में आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में है +3। माइनस है और पावर क्या है? ओड है, तो -1 प्लस 3
क्या है प्लस वन, क्या इवन पावर है, प्लस माइनस, माइनस वन, प्लस वन, शुरू करते हैं, वन थ्री वन जा थ्री, प्लस माइनस, माइनस माइनस थ्री, प्लस थ्री, थ्री वन जा माइनस वन, प्लस वन, आंसर क्या आया, तीन से तीन गया, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो आंसर आया प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर जीरो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन से एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। पॉलीनोमियल है px, ठीक है ना, px इज ए पॉलीनोमियल। अब क्या करना है, पुट दिस से डिवाइड करना, जो हमें पता करना है फैक्टर है कि नहीं है, वही स्टेटमेंट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो x क्या आएगा, जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन। नाउ रिमाइंडर इज, रिमाइंडर विल बी p माइनस वन रिमाइंडर होगा रिमाइंडर थ्योरम से, तो रखते हैं p माइनस वन इज इक्वल टू, रखते हैं माइनस वन की क्यूब, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस टू प्लस रूट टू मल्टीप्लाई माइनस वन, एक्स रख दिया, प्लस रूट टू, माइनस है क्यूब है तो माइनस वन, माइनस प्लस वन क्योंकि क्या आएगा स्क्वायर है, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर वन से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं, टू रूट टू ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिखना प्लस टू प्लस रूट टू, कि प्लस आ गया तो ब्रैकेट रखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम खोल लेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस, वन से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही रहेगा, प्लस रूट टू, आगे करते हैं माइनस वन, माइनस 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 प्लस माइनस, सो ये माइनस हो गया, प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, सो क्या माइनस टू प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, ये तो कट गया लेकिन रूट टू रहा है, तो क्या आया टू रूट टू आंसर आ गया, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा, ये क्या है रूट टू रूट टू, वन रूट टू वन रूट टू, टू रूट टू आ जाएगा, ये भी जीरो के इक्वल नहीं है, हेंस वी कैन से एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। होप इट इज क्लियर टू यू। देखिए यूज रिमाइंडर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। रिमाइंडर थ्योरम किसी भी पॉलीनोमियल का रिमाइंडर निकालने का एक तरीका है, सिंपल सी बात है। फैक्टर डिसाइड करने का तरीका क्या है, अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। अब देखिए ये एक पॉलीनोमियल है और इस पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ये एक पॉलीनोमियल है और इससे डिवाइड करना मीन्स इसको बताना कि फैक्टर है कि नहीं है। तो सिंपल सा अपना तरीका लगाते हैं, हम थर्ड पार्ट करते हैं, एक पार्ट करूंगा बाकी दो पार्ट अपने आप करेंगे। x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू आएगा प्लस थ्री, x क्या आएगा प्लस थ्री, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी x, सॉरी रिमाइंडर विल बी पी माइनस पी प्लस थ्री, ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, तो पी प्लस थ्री निकालते हैं, मीन्स जो भी पॉलीनोमियल उसमें रख देते हैं, पॉलीनोमियल क्या है, पॉलीनोमियल लिख देता हूं पहले एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, वैल्यू रखते हैं थ्री का क्यूब माइनस फोर थ्री का स्क्वायर प्लस
थ्री प्लस सिक्स, जहाँ भी एक्स था वहाँ मैंने क्या रख दिया थ्री, प्लस थ्री था मीन्स प्लस रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते, लेकिन नेगेटिव होता तो रखने की जरूरत थी। थ्री एस क्यूब कितना होता 27 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर कितना होता 9 प्लस 3 प्लस 6 ओके 27 माइनस 9 फोर जा 36 9 फोर जा 36 प्लस 3 प्लस 6 चलो एड वालों को इकट्ठा करते हैं 27 और 3 30 प्लस 6 36 36 माइनस 36 आंसर क्या है 0। अगर रिमाइंडर जीरो है तो मतलब ये जो है उसका फैक्टर है, हैंस वी कैन से जी एक्स, ये वाला जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है पी एक्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स, ये वाला पी एक्स है थर्ड पार्ट, ये बात क्लियर हुई। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, मतलब क्या हमें के की वैल्यू निकालनी है और उसने दे रखा है एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर होता सीधी बात है रिमाइंडर क्या आएगा जीरो आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा जीरो, बस इसी फैक्ट का हमें यूज करना है। देखते हैं पी एक्स ये है एक्स माइनस वन इज फैक्टर, सो पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स आ जाएगा प्लस वन, क्लियर है बाय रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। पी प्लस वन मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, पी माई प्लस वन जीरो होना चाहिए, तो पी प्लस वन निकालते हैं पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो पी प्लस वन रखते हैं प्लस वन, पी एक्स में क्या रखेंगे प्लस वन रख देंगे, पी एक्स ही है तो रखते हैं टू मल्टीप्लाई प्लस वन का स्केयर प्लस के मल्टीप्लाई प्लस वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, चलो 2 मल्टीप्लाई प्लस वन का स्केयर 1 प्लस के वन जा के प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, टू वन जा टू प्लस के प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से के निकाला तो बाकी चीज़ों को उधर भेज देते हैं, प्लस रूट टू उधर जाएगा माइनस रूट टू, टू उधर जाएगा माइनस टू, तो 2 को भेजते हैं माइनस टू एंड ये माइनस रूट टू, सो अगर आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन आएगा तो बचेगा 2 प्लस रूट टू, ये दोनों अंदर प्लस के रह जाएंगे, ठीक है यही हमारा आंसर है, मीन्स वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के सिंपल सा है, कोई बड़ा नहीं है।